इस वीडियो में सीखेंगे प्याज और शिमला मिर्च की एकदम होटल जैसी सब्जी बनाना। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? तो ये एकदम नया तरीका है, मतलब आप जो घर में यूज़ करते हैं नॉर्मल उससे थोड़ा हटकर है, तो एक बार ज़रूर ट्राई करना। तो यहाँ पे हम लोगों ने शिमला मिर्च और प्याज को इस तरह से काट लिया है। साथ में हम लोगों ने टमाटर ले रखा है एक मीडियम, हम लोगों ने यहाँ पे साइज़ का प्याज को बारीक काट लिया है, और साथ में हम लोगों ने अदरक लहसुन का पेस्ट ले रखा है। तड़के के लिए हम लोगों ने ले रखी है सौंफ, मेथी और राई। तो ये सब सामान हम तड़के में इस्तेमाल करने वाले हैं। चलिए अब हम लोग सब्जी बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कढ़ाई में हम लोगों ने सरसों का तेल अच्छे से गर्म कर लेना है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे अपनी जो प्याज और शिमला मिर्च है उनको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। एकदम गर्म तेल में हम लोगों को हमारी प्याज और शिमला मिर्च है उसको फ्राई करना है, वो भी बिल्कुल हाई फ्लेम पर। तो इससे क्या होता है कि जो हमारी प्याज और शिमला मिर्च है उसमें थोड़ा सा क्रंचीनेस आ जाती है, उससे सब्जी का फ्लेवर और बढ़िया आता है। तो हम लोगों ने अच्छे से फ्राई कर लिया। मुश्किल से आपको इनको 2-3 मिनट फ्राई करना है और उसके बाद इसको इस तरह से निकाल लेना है। तो उसका जो तेल पच जाएगा उसको फेंकना नहीं है, उसको आप लोगों को इस्तेमाल कर लेना है। इसमें हम लोगों ने तड़के का सारा सामग्री डाल दी, साथ में थोड़ा सा जीरा डाल दिया और साथ में छोटे कटे हुए प्याज डाल दिए। इनको हल्का सा फ्राई करने के बाद इसमें हम लोग ऐड करेंगे टमाटर, और उसके बाद हम लोग इन टमाटरों के साथ डाल देंगे नमक। और अभी इस पॉइंट पे नमक डालने से क्या होता है कि जो टमाटर है वो हमारे जल्दी गल जाते हैं। और उसके बाद हम लोगों को इसमें ऐड करने बाकी के मसाले, जैसे कि हल्दी ऐड कर देंगे, मिर्च ऐड कर देंगे, और साथ में हम लोगों ने यहाँ पे धनिया पाउडर ऐड कर दिया है। अब इसको अच्छे से भूनने के बाद आपको इसमें बेसन डाल देना है। लगभग 1 चम्मच मैंने यहाँ पे बेसन का इस्तेमाल किया है, और साथ में मैं यहाँ पे दही ले रही हूँ 1 कटोरी। इसको बढ़िया करके फेंट लेंगे और दही को हम लोगों को इसमें ऐड कर देना है। और दही को इसमें डालने के बाद आपको इसको लगातार चलाते रहना है जब तक इसका कलर ना चेंज हो जाए, नहीं तो क्या होगा कि ये जो दही है वो फट जाएगा, जिससे आपकी सब्जी का स्वाद है वो बेकार हो जाएगा। तो ऐसे लगातार इसे चलाते रहेंगे। तो मैंने भी इसे चलाते रहा जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो गया। अब देखिए कितना बढ़िया इसका जो दही है वो मिल चुका है, और कलर भी थोड़ा डार्क ऑरेंज जैसा आ चुका है इसमें। अब इसके बाद इसमें थोड़ी सी मैं चीनी के दाने डाल देती हूँ। आप लोग इसकी जगह चाहे तो मिल्क मेड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर खोया का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने थोड़ा सा इसमें पानी डाल दिया ताकि मेरी जो ग्रेवी है वो थोड़ी ज़्यादा बढ़ सके, और हमारे जो शिमला मिर्च और प्याज हैं वो बढ़िया करके इसमें मिल जाएं। तो उसके बाद हम लोगों ने फ्राइड हमारे शिमला मिर्च और प्याज ऐड कर दिए। इन सबको बढ़िया करके आप लोगों को मिला लेना है अच्छे से। तो इसका जो ग्रेवी है ना वो बहुत अच्छा स्वाद आता है उसका। अब इसमें थोड़ा सा हम लोगों ने आमचूर डाल दिया है। आमचूर पाउडर से इसका स्वाद और ज़्यादा बढ़ जाता है। अब इसमें हम लोग थोड़ी सी कस्तूरी मेथी डाल देंगे, इससे खुशबू भी बढ़ जाती है और थोड़ा सा कस्तूरी मेथी का बटरी फ्लेवर आ जाता है। थोड़ा सा और पानी डाल देंगे और इसको थोड़ी देर हम लोग ऐसे ही ढककर पकाएंगे। तो मुश्किल से आप लोगों को इसको 5 से 6 मिनट तक ऐसे ही पकाना है। उसके बाद हमारी ये जो शिमला मिर्च और प्याज है वो बिल्कुल परफेक्टली तैयार हो जाएगी, और बस फिर क्या है, इसको आप सर्व कीजिए। वैसे तो ये पराठों के साथ बहुत अच्छी लगती है, बाकी आपकी चॉइस है, और आप ही इसको एक बार ज़रूर बनाइए और ट्राई कीजिए। इस बार अगर आपके यहाँ शिमला मिर्च आए तो आप यही वाली तरीके से बनाना, क्योंकि ये वाला जो तरीका है वो आसान भी है और बहुत स्वादिष्ट भी है। तो ऐसे ही मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।